हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं दिखाऊंगा सैमसंग गैलेक्सी A135। अगर कोई चार्जिंग इशू आपके पास आए तो कैसे रिसॉल्व कर पाएंगे। इसका जो चार्जिंग इशू है थोड़ा अलग तरीके से प्रॉब्लम है, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, चार्जिंग शो होने के बाद सिंबल चला गया है। तो अगर ऐसे कोई दिक्कत आए तो आप उसको कैसे आसानी से रिसॉल्व कर पाएंगे, तो इस वीडियो को पहले से ख़त्म तक ज़रूर देखिए। अगर पहली बार मेरा चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइबर है तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। तो पहले हम इसको डिसअसेंबल कर लेंगे। खोलते वक्त जब आप हैंडसेट को खोल रहे हैं तो ध्यान से खोलिए, क्योंकि इसका जो फिंगरप्रिंट है ख़राब हो सकता है। तो इसका जो साफ बोर्ड है, मैं पहले ही इसका साफ बोर्ड चेंज कर चुका हूँ। ये रहा इसका ओल्ड साफ बोर्ड, लेकिन साफ बोर्ड चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो अगर दूसरे कोई मॉडल होता तो क्या होगा कि इसका जो कॉन्टोकॉन FPCB है ये साफ बोर्ड के साथ होता है, लेकिन इसका जो कॉन्टोकॉन FPCB है इसका मेन डिस्प्ले के साथ ही आता है। तो अगर कोई चार्जिंग इशू आए तो आपको डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा। तो हम डिस्प्ले ने चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्टली जम्पर करेंगे, जम्पर करके ही सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए पहले हम जम्पर कर लेते हैं, उसके बाद में दिखा रहा हूँ कहाँ से कहाँ आपको जम्पर करना है। एक जम्पर तो साफ बोर्ड के तरफ जोड़ना है और दूसरा FPCB केबल पर जोड़ना है। तो देखिए, इसका जो प्रॉब्लम था चार्जिंग इशू, ये सॉल्व हो गया है। नोटिफिकेशन बार को थोड़ा नीचे डाल दूँ, देखिए ये चार्ज हो रहा है। तो बिल्कुल ही आपने देख लिया कि विदाउट डिस्प्ले चेंज करने के बजाय नहीं चेंज करना पड़ेगा, अब डायरेक्ट शॉर्ट करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। वीडियो को पहले से ख़त्म तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।